12.5 का एक लेटेस्ट इनहेंस एडिशन हमारे Note 10 Pro और Pro Max के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं वन डे से डाल के यूज कर रहा था। तो क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला है और क्या है प्रॉब्लम, उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ये ऑफिशियल अपडेट तो हमारे डिवाइस के लिए है नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनहेंस एडिशन जो फ्लेक्सिबल लेवल के डिवाइसेज है ना, उन कैटेगरी वाले डिवाइसेज को ही प्रोवाइड किया गया है। और ये अपडेट Mi 11X के लिए आया था, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया था, और ये उसी का एक पोर्ट OS है जो कि हम यूज कर पा रहे हैं हमारे इस डिवाइसेज के अंदर। तो ऑफिशियल तो आप मत मान लेना, लेकिन हाँ पोर्ट है तो काफ़ी हद तक ऑफिशियल तरीके से काम करता है, जिसका लेटेस्ट आपको अपडेट वर्जन देखने को मिलता है 12.5.6। तो क्या है इसमें नया, किस तरीके से स्मूथनेस देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई फीवर होया हुआ था और अभी तक इलाज कंटिन्यू जारी है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो कंटिन्यू वीडियो आएगा, अदरवाइज बीच में फिर से गैप हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना। यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स पे आते हैं तो आपको 7 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है, और सेम सिक्योरिटी पैच मुझे Mi 11X के अंदर भी देखने को मिला था। ये लेटेस्ट तो नहीं है, बट स्टेबल में हमें थोड़ा ओल्ड ही दिखाई देता है, इसलिए हमारे लिए लेटेस्ट ही ये रहेगा। बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है वही सारे कस्टमाइजेशन वगैरह, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलाव की गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा एनिमेशन है ना, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, उतना ज़्यादा भी इम्प्रूव नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेटर है। बट यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टैक्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, और डायलर को ओपन करता हूँ तो डायलर ही ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है डिफरेंट, लेकिन सम टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ ही ओपन होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा बग भी आपको नजर आया है, जो कि 3 और 7 का पॉपअप दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे डायलर पे आता है ना कि कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो ये मे बी आपको आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसे जो टैप करके हटा देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा ओपन और क्लोज करूँ, तो अब देखोगे कि ये अब यहाँ पे दोनों जगह से गायब हो चुका है। तो ये छोटा सा कभी कभी किसी किसी को दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम Note 10 Pro के अंदर डालते हैं कोई भी MIUI का रोम, तो कैमरा में कलर का प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी कलर का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको फिक्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी का इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो म्यूजिक लिसन है ना, वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सही है, और ऑफिशियल तो हमें मिल भी चुका है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं कि भाई ऑफिशियल में नहीं था यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑलवेज ऑन, क्योंकि अब तक जितने भी अपडेट आए ना जो ऑफिशियल टाइप के हैं, उनमें ऑलवेज ऑन का पंगा रहा है, बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन में आपको मिल जाता है अनलिमिटेड का ऑप्शन नॉट फॉर 10 सेकेंड। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ऑलवेज ऑन को परमानेंट यहाँ पे यूज कर पाओगे। लेकिन पता है ना, बैटरी ड्रेन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 पे सेट रहता है, तो आप यहाँ पे 120 पे है जो सेट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में डेटा विजेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एरिया है ना, ये आपको उतना फेड आउट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल चाइना का अपडेट आया था 12.5.6 का, उसमें इसे हल्का ट्रांसपेरेंट कर दिया गया था, यानी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हमें थोड़ा पहले कम देखने को मिलता था, उसे थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर दिया गया था। बट यहाँ पे EU की तरफ से ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे अगर मैं वीडियो टूलबॉक्स की बात करूँ, तो वीडियो टूलबॉक्स भी आपको पहले जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2K का अपस्केल एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि नए वाले वीडियो टूलबॉक्स और गेम ट्रेवर के अंदर ऐड किया गया था, बट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये भी आपको एक नया प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टाइल्स, डॉल्बी और बाकी अदर सेम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाते हैं, तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑफिशियली हमें नहीं मिलते थे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के रूप में देखने को मिलता है। रही बात गेम टर्बो के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, तो जैसा कि आपने देखा वीडियो टूलबॉक्स ओल्ड लुक में ही है, बस नया फीचर्स आ गया है, तो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा गेम टर्बो भी उसी तरीके से, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता।
लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हो कि बैकग्राउंड जो है वो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे सब कुछ विजिबल है। तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे यूज किया गया है, पहले थोड़ा बोल्ड रहता था लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है ताकि हमारा जो ओएस है वो थोड़ा लाइट हो सके और थोड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, क्योंकि आपको पता है कि MIUI कितना ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए थोड़ा लाइट किया जा रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए। और गेम टर्बो और टाइमर वगैरह का फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉइस चेंजर वगैरह के साथ, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। मी का ब्राउजर मिल जाएगा, हेल्थ ऐप, नोट, गूगल, और पहले से ये रूटेड रहता है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन मेथड मैंने आपको पहले वाले 12.5.5 में बताया था कि रोम को फ्लैश करने के बाद आपको मैजिक फ्लैश करना है, अदरवाइज बूट नहीं करेगा। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एडिशनल के सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर्स भी मिलता है, जो कि हमारे मी 11X डिवाइस के अंदर ओनली ऑन 3GB का दिखाई देता है, बट यहाँ पे आपको 4GB का नेम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 1GB एक्स्ट्रा आपको दिखाई देता है, जो कि सही है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे रिसेंट पे जाओगे ना तो यहाँ पे ऐड नहीं दिखाई देता है, जबकि बाकी अदर डिवाइसेज में दिखाई देता था। लेकिन ये काम करता है इंटरनली, बट भाई कुछ प्रूफ दिखाई नहीं देता कि कैसे ये काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6GB में से 3.7GB यहाँ पे फ्री आपको देखने को मिलता है। और रैम मैनेजमेंट मुझे ओके लगा है, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक ऑफिशियल होता है और जो उसे पोर्ट किया जाता है इनमें थोड़ा बहुत का डिफरेंट तो रहता ही है, तो उतना ज़्यादा सेम टू सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बग मैंने जो आपको दिखाया था ओवरलैप का, दूसरा बग यहाँ पे मुझे देखने को मिला है वो है ब्राइटनेस का। जैसे कि अगर मैं अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और दोबारा मैं अगर इसे अनलॉक करूँ तो इसका आप देखोगे कि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, और सेम प्रॉब्लम पिछले वाला इन्हेंस वाले में भी देखने को मिला था। अगर मैं यहाँ पे इसे मैनुअल पे कर दूँ और उसके बाद ब्राइटनेस को अगर मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ और फिर से अगर मैं लॉक करूँ और दोबारा मैं इसे अगर अनलॉक करता हूँ तो फिर से ब्राइटनेस यहाँ लो हो जाता है, जबकि पिछला वाला अपडेट में है जो ब्राइटनेस मैनुअल करने के बाद डाउन नहीं होता था, बट यहाँ पे जो दोनों कंडीशन में यहाँ पे ब्राइटनेस हमारा जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये कमी मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि इसके लिए अभी तक पैच नहीं आया। अगर पैच कोई आता है या मेथड आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट करके डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे जो इसका फाइल मैनेजर आपको मिलता है ये लेटेस्ट वाला प्रोवाइड किया गया, जो कि MIUI 13 के नाम से आया था कुछ टाइम पहले, तो आपको वही सारे लुक देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर है वो ग्लोबल यूज किया गया है, ना कि चाइना या EU की तरफ से। तो जो ग्लोबल में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है वही आपको यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम का जो बार है ये भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया है ज़्यादा, जो कि पहले उतना ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट थोड़ा ज़्यादा है जो कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वो इसमें थोड़ा सा लाइट वगैरह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी आपको जो वाइट नहीं हल्का सा फेड आउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि मे भी कुछ यूजर्स को पसंद आ सकते हैं कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि पहले वाले में काफ़ी ज़्यादा वाइट वाइट हमें देखने को मिलता था, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाई साइड इसमें आपको वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे नीचे को हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, यानी हल्का फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है, बट जबकि यहाँ पे ऊपर है जो आपको वाइट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको फेड आउट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इनहेंस में डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन रही बात कि इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं बाकी अदर स्कोर वगैरह के ऊपर कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये है वन टाइम का हमारा Antutu का स्कोर, जो कि काफ़ी कम है, जो कि मैंने रोम फ्लैश करने के बाद ही चेक किया था। उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया तो सेम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 2.1% का हीटिंग है और 2% का बैटरी ड्रॉप, तो बैटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन वन डे के कंप्लीट यूजेज के बाद जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पे स्कोर इंप्रूव हो जाता है, यानी कुछ टाइम के बाद ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, और भाई हीटिंग इसने फिर से गेन कर लिया है और बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा बढ़ गया है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, तो हीटिंग भी थोड़ा सा इंप्रूव यहाँ पे हो गया है, यानी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा Geekbench का रिजल्ट, जो कि सिंगल और मल्टीकोर का है, जो कि ओवरऑल ठीक है, पर थोड़ा सा और इंप्रूव होना चाहिए था। और बाकी आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये है हमारा CPU टोटल का रिजल्ट, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग पे 88% आता है, और जब मैं इसे गेम टर्बो के अंदर ऐड कर देता हूँ तो 85 चला जाता है, तो कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला इसके अंदर। बाकी कैमरा वगैरह तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, और यहाँ पे हर बार की तरह आपको प्ले स्टोर है जो सर्टिफाइड देखने को नहीं मिलता है, तो मैनुअली सेफ्टी नेट वगैरह आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे यूज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर डिटेल दे दिया है। रही बात गेमिंग एक्सपीरियंस, तो भाई यूजर्स लोगों से बात किया है तो उनका कहना है कि ठीक ठाक हो जाता है। मैं अभी गेम प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हेल्दी हुआ नहीं हूँ, अभी इलाज चल रहा है, कई सारे इंजेक्शन लेने बाकी हैं, तो दिक्कत है। काफ़ी मजबूरी में और काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
मैं ट्राई करूंगा आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करने की, या फिर डिले भी हो सकता है, तो प्लीज़ भाई वेट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।